हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है दिन बृहस्पतिवार और तारीख है 17 अक्टूबर। मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 6। तो मैं ना फ्रेंड्स 4-5 दिन से 6 बजे ही सो के उठ रही हूँ, 5 बजे नहीं उठ पा रही हूँ। जब से मैं दीदी के यहाँ से आई हूँ ना, थोड़ा सा मेरा रूटीन चेंज हो गया है, क्योंकि मुझे ना अच्छा, कोल्ड हो रब रखा है और बेटा बहुत ज़्यादा उठो, मतलब टाइम हो मुझे जाता है प्रॉब्लम हो काफी, रही उठो। है। तो ना ठीक से मतलब टाइम पे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। तो बस अभी सबसे पहले बना लिया था अपना पानी, सौंफ और अजवाइन वाला। ये ना खांसी नज़ला जो हो रहा है ना मुझे, इसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और अभी ना मैं इसको अब मॉर्निंग में तो लेती ही हूँ, लेकिन जब मुझे ये कोल्ड वगैरह हो जाता है ना, तो मैं इसे शाम के टाइम या फिर दोपहर में भी बना के पी लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब इससे आराम मिलता है। उसके बाद ना बच्चों के लिए लगा दिया है पानी, क्योंकि सुबह शाम का ना मौसम चेंज हो रहा है। मतलब सर्दी भी नहीं लगती है, लेकिन थोड़ा सा भी इग्नोर कर दो ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यहाँ पर मेरा हो गया पानी रेडी, उधर ना बच्चों को भी मैंने जगा दिया है, और यहाँ पर हो गई है हस्बैंड की चाय रेडी। और आज ना मैंने बच्चों के लिए भी चाय बनाई है मॉर्निंग में, क्योंकि ना बच्चों को भी ऐसे ही हो रहा है। अक्स को तो ज़्यादा हो रहा है, आरब को थोड़ा कम है, तो ये दोनों भी मतलब ब्रश वगैरह करने के बाद में चाय लेंगे थोड़ी थोड़ी सुबह में, क्योंकि इसको ना नज़ला बहुत ज़्यादा है, पूरी रात को भी परेशान हुआ था। तो अजवाइन वाली जो चाय मैंने बनाई है बच्चों के लिए भी, और सर्दी में ना फ्रेंड्स मैं चाय में अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। इससे ना हमें तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सभी को पसंद आती है, और जो थोड़ा बहुत नज़ला वगैरह होता है ना वो भी मेंटेन रहता है। तो बस मैंने आराम से बैठ के अपना पानी पिया, कम से कम 10 मिनट मैंने अपने आप को दिए पानी पीने में। तेज गर्म ही मैं पी रही हूँ सिप सिप करके। उसके बाद बच्चों का बना दिया है मैंने नाश्ता, और अभी कर रही हूँ उनका टिफिन पैक। आज लंच में बनाए हैं सूखे आलू और धनिया डाल के। आज के जो आलू बने हैं ना फ्रेंड्स, फीलिंग बिल्कुल ऐसी आ रही है जब ज़्यादा वाली सर्दी होती है ना, और जब धनिया वाली चीज़ें हम बनाते हैं और नए आलू जो पड़ते हैं ना, वो वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल। और सच में टेस्टी भी इतने ज़्यादा बने थे ना। तो बस अभी मैं इनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ, और फिर ये लोग भी रेडी हो रहे हैं। इतने सबसे पहले टिफ़िन वगैरह पैक करके मैं दे देती हूँ, और उसके बाद से दे दूँगी इनका खाना, तो ये लोग भी जो खा लेंगे। तो देखिए दोनों के लिए मैंने चाय निकाल ली है, और आलू की सब्जी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। तो आज ना मैंने पराठा नहीं बनाया है, ना ले जाने के लिए और ना खाने के लिए। यो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 7:30, शाम के कहते हैं, और यहाँ पर पूरी रात हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। गाइस यहाँ पर अब रात बहुत जल्दी हो गई है। सो गाइस आपने मौसम देख लिया होगा कैसा दिखता है। गाइस सुबह को हो जाती है ठंड, सुबह और रात को ठंड हो जाती है, दोपहर और शाम को पूरी गर्मी रहती है। शाम को थोड़ी सी ठंड रहती है, बाकी दोपहर में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, ये तो बहुत लोगों को पता है। गाइस मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पता होगा आपको, मैंने दिखा दिया था लेकिन बता देता हूँ। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो ये वीडियो ना फ्रेंड्स मेरे बेटे ने बनाया था अभी एक दिन पहले ही, तो बहुत मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो बस अभी फिर से मैं उसी दिन का ब्लॉग जो शेयर कर रही हूँ बृहस्पतिवार का, अभी बच्चे वगैरह रेडी हो गए हैं, मेरा भी टोटल काम उनके जाने तक का फिनिश हो गया है, जैसे कि उनका टिफिन है, पानी की बोतल है, वो लोग रेडी हैं। तो अभी ना मैं इनके कर रही हूँ जूते पॉलिश, मतलब पॉलिश तो ज़्यादातर हस्बैंड ही करते हैं, लेकिन आज थोड़ी थोड़ी सी धूल थी तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से ना मैं मार देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी इसी टाइम जाना होता है, और उधर वो भी जो रेडी हो रहे हैं, और इधर अपने बच्चा नाश्ता कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर इनके जूते वगैरह रेडी कर दूंगी। तो बस इनके जाने का टाइम हो ही जाता है, कितनी जल्दी कर लो लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा मतलब सुबह का टाइम ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है इन लोगों के पीछे तब जाकर उठते हैं, क्योंकि नींद बहुत अच्छी आती है सुबह को, सभी को उठने का मन नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर मेरी खिड़की से बहुत ही प्यारी सी धूप आती है मॉर्निंग में, जो कि अब एकदम जब सुबह वाली आती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, और नज़ला वगैरह है ना तो उसमें बहुत अच्छी लग रही है। तो अभी हस्बैंड आ गए हैं नहा के, और ये कर रहे हैं यहाँ पूजा, सुबह की पूजा यही करके चले जाएंगे, मैं अपने आराम से ही सारे काम बाद में बच्चों के करूँगी। जाने के बाद से ना कुछ ऐसा रहता है मेरा घर, ये देखो पूरे में ना आपको उथल पुथल मिलेगा, ये देखो इतना ज़्यादा काम होता है ना मॉर्निंग का, पूरा मतलब ऐसे ही मिलेगा सब कुछ फैला हुआ हर तरफ,
ये कपड़े ना मैंने जो कल धुले थे तो उनको फोल्ड करके ना रात को मैंने टेबल पे ही लगा दिया था, तो इनको ना मैं अभी लगाऊंगी अलमारी में, क्योंकि ना मेरी अलमारी भी ना पूरी उथल पुथल पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। तो बस अभी जो है ये सब काम निपटाएंगे, उसके बाद देखते हैं आज क्या क्या करना है, क्योंकि करवा चौथ भी आ ही गई है, बस 2 दिन बीच में बचे हैं और मेरा ना ब्लाउज नहीं सिला गया है, बहुत मुझे टेंशन हो रही है। तो बस ये सब कारा सारा खलारा फैलाया हुआ है जो इसे निपटा के फिर मैं करती हूँ, देखती हूँ क्या कर पाती हूँ आज। देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ना मेरा टोटल काम हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया है पूरा काम फिनिश हुए, लेकिन वीडियो बनाना सच में आज बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया, कुछ भी रूटीन शेयर नहीं किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि मैंने ना इस वाले सूट की कटिंग की है, अस्तर वाला सूट है ये, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है चिकना कपड़ा सेट वेट करने में। और मेरा ना घर का टोटल काम ना मैंने जो भी बिखरा हुआ था ना सुबह का पूरा फिनिश कर चुकी हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन, और दाल भी बना दी है खाने में, चावल भी बनने रख दिया है, और अभी बनाने जा रही हूँ मैं रोटी। तो मेरे याद आया मैं थोड़ा थोड़ा सा वीडियो तो कम से कम शेयर करी हूँ, क्योंकि ब्लॉग कंप्लीट नहीं होता है ना तो बहुत गंदा लगता है, मतलब नेक्स्ट डे का जब जुड़ता है ना तो अच्छा नहीं लगता। देखिए यहाँ पर मैंने बना दी है दाल, इसमें तड़का भी लगा दिया, इसमें रखते हैं चावल, और अभी ना मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। तो सोचा मेरे याद आई ना ब्लॉग तो कंटिन्यू हुआ ही नहीं, तो चलो अगर फटाफट से करते हैं ब्लॉग का कंटिन्यू। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 11:15 का टाइम हुआ है अभी, तो खाना मैं बना के रख दे रही हूँ, हस्बैंड 12 बजे आ जाएंगे तो खा लेंगे, क्योंकि उससे पहले मैं मार्केट जा भी सकती हूँ, और अगर नहीं जाऊँगी ना तो फिर मैं इस वाले सूट को ना अस्तर इसका जो जोड़ के रख दूँगी, तो फिर सिलने में आसानी रहती है, क्योंकि अस्तर वाले कपड़े में ना डबल सिलाई होती है। तो बस पहले बनाती हूँ फटाफट से रोटी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी, और रोटी ना मैं थोड़ी सी ही बना रही हूँ, 4-5 रोटी, क्योंकि मैंने चावल भी बनाए हैं, और ये सुबह का आटा ना मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा गूंद के रख लिया था, तो उसी की मैं जो रोटी बना रही हूँ अब। कभी कभी जब मुझे जल्दबाजी होती है ना, गर्मी में तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे अभी मौसम आ रहा है ना, तो जैसे मुझे कहीं जल्दी जाना हो या फिर मेरा कुछ ऐसा काम हो, तो मैं सुबह को थोड़ा सा आटा एक्स्ट्रा गूंद लेती हूँ कभी कभी, वरना तो ना मैं कभी भी नहीं गूंदती हूँ। 3 टाइम अगर रोटी बनेगी ना तो 3 टाइम ही मैं आटा गूंदती हूँ, और ना ही मेरे घर में खाया जाता है, कभी 1-2 रोटी का आटा बच जाए ना तो वो मैं ही खाती हूँ उसकी रोटी बना के, हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, और ना ही मैं बच्चों को देती हूँ। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं रोटी, क्योंकि हस्बैंड के आने का हो रहा है टाइम, मतलब अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं बना के इसलिए रख रही थी, जैसे मैंने बताया ना मैं मार्केट भी जा सकती हूँ, जैसे कि करवा चौथ है तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करना तो बनता ही है। बाकी कपड़े वगैरह मैंने पहले ही ले लिए थे, और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे ना कि जो मुझे हमें कपड़े दिखाइए क्या क्या लेके आई हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो लेके आई हूँ ना, मैं सोच रही थी ना मैं आपको उसी टाइम पर दिखाऊंगी जब मैं पहनूंगी करवा चौथ वाले दिन, तो इसीलिए ना मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया। तो बस मुझे उसी का सामान लाना है जो मैं कपड़े लेके आई हूँ ना, उन सबका चूड़ी वगैरह होती हैं, और जो सामान जो भी उसमें लगना है ना ब्लाउज वगैरह सिलने में, तो वो मैं मुझे लेके आना है, और मुझे बाजार जाना है। तो आज मैं गई नहीं थी, बृहस्पतिवार के दिन मैं नहीं जा पाई थी फ्रेंड्स, हाँ सॉरी, मैं गई थी 3 बजे के करीब, क्योंकि ये वीडियो ना मैं 2 दिन बाद में एडिट कर रही हूँ, तो कभी कभी भूल जाते हैं चीज़ें। तो मैं दोपहर में गई थी 3 बजे के करीब, सारा काम फिनिश करने के बाद, और फिर मैं जो जो लेके आई थी वो सब भी मैं आप लोगों के साथ में ना उसी दिन के व्लॉग में शेयर करूंगी करवा चौथ वाले में। मैं सोच रही थी ना पूरा सेट मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो चलिए यहाँ पे बन गई है रोटी, हाथों हाथ स्लैब की भी सफाई कर देते हैं, और इतने ना मैं थोड़ा सा अपना सूट का ही काम करूंगी जितने हस्बैंड के आने का टाइम होगा, क्योंकि अभी अगर मुझे जाना होता ना तो मैं 11 बजे चली जाती, और अभी तो लेट होगी, हस्बैंड आएंगे फिर बच्चे आएंगे, तो बच्चों को ना खाना वाना खिला के थोड़ी देर खुद से आराम करके उसके बाद ही अब मैं मार्केट जाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से अपना ये काम कर लेते हैं, और इतने सिल लेते हैं सूट जितने हस्बैंड आएंगे, क्योंकि खाना पूरा हो गया है रेडी, और जब हस्बैंड आएंगे तभी मैं बनाऊंगी यहाँ का सलाद वगैरह। मैं चावल ना ऐसे ही बनाती हूँ, इसमें सीटी नहीं आने दूंगी, और गैस को बंद कर दूंगी, कुकर भी बंद रहने दूंगी जब तक इसकी गैस पूरी तरह से नहीं निकल जाएगी। तो देखो जैसे कि इसमें सीटी आने को हो रही है ना, ऐसे ही मैं पूरा कुकर जो है बंद कर दूंगी, बस 1 मिनट और ये आने वाली है सीटी, ये छोटा इसका और गैस नहीं निकालनी है। खाना बन के हो गया है मेरा डन, बस सलाद काटना बाकी है। ऐसे चावल बनाती हूँ मैं हमेशा, तो बिल्कुल अच्छे बनते हैं, एक एक चावल बनता है। मैं कभी पूरी कंप्लीट सीटी नहीं बनाती हूँ, मतलब लगाती हूँ, और कभी भी चावलों को भिगोती नहीं हूँ। तो बस ऐसे ही मेरे चावल एकदम बनते हैं परफेक्ट।